राजा मान सिंह जी के गुरु। राजा मान सिंह जी के गुरु। अच्छा अच्छा, कितना पुराना मंदिर है ये? 500 साल। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज हम घूमने चलेंगे महामंदिर टेंपल जोधपुर में। तो गाइस, फाइनली पहुंच गए हैं महामंदिर में। तो ये बेसिकली जो मंदिर है ना, ये यहाँ पे सरकारी स्कूल है उसके अंदर ही बनाया हुआ है। तो चलो चलते हैं। बाकी ये देख लो, मैं इस रास्ते से आया था, यहाँ पे गाड़ी की तो आने की जगह थी नहीं, तो गाड़ी तो मैं पीछे ही खड़ी कराया। अगर आप आओ तो बाइक वगैरह पे आना। तो चलो अब चलते हैं मंदिर के अंदर फाइनली। चलो करते हैं एंट्री और चलते हैं मंदिर में। ये स्कूल भी है तो ये साथ में ऑफिस बना हुआ है। अच्छा, ये रेगुलर स्कूल भी चल रहा है साथ साथ, और ये साथ में मंदिर बनाया हुआ है। तो चलो मंदिर में ही घूम के आते हैं, बाकी फिर मैं आपको थोड़ा साइडों को दिखाऊंगा। ये मेन मंदिर। तो गाइस चलो करते हैं मंदिर में एंट्री और देख के आते हैं मंदिर में। शूज़ तो मैंने पहले ही यहाँ पे उतार दिए, शूज़ उतारने ज़रूरी है। चलो चलते हैं। यहाँ पे ये आंटी जी सारी रेट देख यही करती है। हाँ जी, क्या कर जाओ। ये मंदिर है मेन। ये देखो, होए होए होए, कितना बढ़िया बना रखा अंदर से। ये भगवान जी बैठे हैं, मेरे को पता नहीं कौन से भगवान जी है, बट अभी आंटी जी से पूछेंगे और आंटी बताएंगी। ये है मेन महामंदिर। चलो अब बाहर चलते हैं और पूछते हैं आंटी जी से। ये कौन से भगवान की मूर्ति आंटी जी? ये राजा मान सिंह जी का गुरु है। किसकी? राजा मान सिंह जी के गुरु। राजा मान सिंह जी के गुरु। अच्छा अच्छा, कितना पुराना मंदिर है ये? 500 साल। 500 साल पुराना मंदिर है? हमारा भी जन्म नहीं हुआ, उससे पहले हुआ। अच्छा, उससे भी पहले का है। और आप यहाँ पे कब से देख देख कर रहे हो? हमारा तो जाया जन्म ही आया कहीं है। अच्छा अच्छा, अभी हमारी रहती है। अच्छा अच्छा, तो मतलब सब संभालते हैं आप, पूजा वगैरह करना, साफ सफाई करना सब आप ही करते? पूजा मेरा भतीजा करता है। अच्छा, पूजा आपका भतीजा करता है। अच्छा अच्छा, हाँ ना, ठीक है। 50 रुपये दे दो। ठीक है, बिल्कुल धरेंगे। तो चलो आंटी जी कह रही है 50 रुपये रख के आते हैं मंदिर में। मंदिर आए तो दान दक्षिणा तो। चलो अब साइडों से और बाहर से और दिखाता हूँ मैं मंदिर। ऊपर जा सकते हैं आंटी? वहाँ पे जा सकते हैं ना? नहीं, अच्छा नहीं जा सकते, बाहर से ही देख लो बस। नीचे नीचे हैं, बाकी तो ये है मंदिर में, बस पिलर हैं यहाँ पे ज़्यादातर। बाकी मैं चारों साइड से दिखा देता हूँ, ये मेन मंदिर है ये अंदर। पाँच सौ साल पुराना मंदिर है, देखो कैसा पत्थर है, किसने तो बनाया होगा, कितनी मेहनत करी होगी। साइडों से और दिखाता हूँ आपको मंदिर में और क्या क्या चीज़ें हैं। साइड ये बना रखा है और ये चारों कोनर पे ये पिलर टाइप बना रखे हैं। वो एक वो तो टूट गया है। बाकी
साइड भी ये पिलर है एक। और इस साइड भी ये पिलर बना रखा है। चलो अब चलते हैं, पूरा मंदिर घूम लिए, अब चलते हैं घर की तरफ वापसी। तो गाइस मंदिर तो घूम लिए, अब चलते हैं घर की तरफ वापसी। बाकी मंदिर का थोड़ा मैं आपको बताता हूँ कि मंदिर का तो ये है कि एक तो ये इसको तो अब कन्वर्ट कर दिया है स्कूल में, तो अब ज़्यादा मेंटेनेंस वगैरह तो है नहीं और ज़्यादा संभाल भी नहीं है। बस ये है कि एक मूर्ति रखी हुई है और एक वहाँ पे आंटी जी हैं, उनका भतीजा पूजा वगैरह कर लेता है। बाकी उसके अलावा कोई मेंटेनेंस वगैरह कुछ भी नहीं है। मैं तो सोच रहा था ऑनलाइन जो देखी थी फ़ोटोज़ और वो, उसके हिसाब से तो लग रहा था काफ़ी बड़ा मंदिर है और कई चीज़ें पाएंगी घूमने फिरने का। घूमने फिरने का ऐसा कुछ भी नहीं है, वन टाइम वो जगह भी नहीं है, मैं तो ये कहूँगा आपको। तो वीडियो में ही देख लो वही ठीक है, आने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आने का भी ये लगा लो मैं मैप के थ्रू आया, पहले तो मुझे मिला नहीं, फिर मैं पूछ पूछ के पागल हो गया। पूछने के बाद ये लगा लो कम से कम 15-20 बंदों से तो मैंने पूछा कि कहाँ से क्या जाना है। उसके बाद पहुँचा तो फिर वो स्कूल चल रहा था और बाकी ऊपर जाने के लिए ऊपर कह रहे ऊपर भी नहीं जा सकते, बस ठीक है थोड़ा मंदिर है वही दिखा दो, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। और आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।